नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुख्तार अंसारी के जनाजे में उबड़ा लोगों का हुजूम, कुछ ही देर में किया जाएगा स्पुर्ते खाक। CBI ED को राहुल की धमकी, कभी तो BJP की सरकार जाएगी तब ऐसी कार्रवाई होगी। RSS के नेता इंद्रेश कुमार ने इमाम उमर अहमद इलियासी के साथ की इफ्तारी, शालिनी अली ने रखी थी इफ्तार पार्टी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्तार अंसारी के जनाजे में उमड़ा लोगों का हुजूम, कुछ ही देर में किया जाएगा स्पुर्द एक खाक। मुख्तार अंसारी का जनाजा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के घर में शमशान घाट के लिए रवाना हो चुका है। इस दौरान मुख्तार अंसारी के जनाजे में लोगों का हुजूम उमड़ गया है और ये हुजूम इतने भारी मात्रा में उमड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के मऊ से पूर्व विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई थी, जिसके बाद मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उनके शव को बेटी उमर अंसारी को सौंप दिया गया था। मुख्तार अंसारी का शव पैतृक गांव पहुंच गया है। डेड बॉडी को उसकी मां की कब्र के पास में दफनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी का शव उसके घर पर ग्लास के चेंबर में रखा गया था और स्पुर्द-ए-खाक की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मदाबाद में भारी पुलिस बल तैनात है और घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। CBI और ED को राहुल की धमकी, कभी तो BJP की सरकार जाएगी तब ऐसी कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस दिया है। इस नोटिस को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार BJP पर हमलावर है। इनकम टैक्स के इस नोटिस पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि किसी न किसी दिन BJP की सरकार तो जरूर बदलेगी। जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत ही होगी ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है, कभी ना कभी BJP की सरकार बदलेगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से करे तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। इसलिए गलत करने वालों को सोचना चाहिए कि कभी ना कभी BJP की सरकार बदलेगी, इसके बाद ऐसी कार्रवाई होगी कि ये कभी नहीं सोच पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RSS नेता इंद्रेश कुमार ने इमाम उमर अहमद इलियासी के साथ की इफ्तारी, शालिनी अली ने रखी थी इफ्तार पार्टी। RSS नेता इंद्रेश कुमार शुक्रवार को अखिल भारतीय ईमान संगठन AIIO प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक इफ्तारी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर RSS नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, रमजान के महीने में यहां पर शालिनी अली और उनके परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर एक बेहतरीन कार्यक्रम किया, रोजा इफ्तार किया। दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा खूबसूरत अजीम देश है कि जिसके जैसा कोई देश नहीं है। दुनिया के सब मजहब और उसके फिरके अगर किसी मुल्क में मिलते हैं तो वो हिंदुस्तान है, और इसलिए सब मजहब की और इज्जत करने वाली सरजमी थी और सदा रहेगी। सब लोग मिलजुल कर रहे, इंद्रेश कुमार ने कहा। इन दिनों में एक और रमजान के कार्यक्रम और रोज़ा इफ्तारी चल रहे हैं और एक तरफ होली मिलन भी चल रही है, इसलिए आज मैं रमजान और होली मिलन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ कल ईद भी आएगी और नवरात्रि भी आएगी, उनकी भी ढेरों शुभकामनाएं करता हूँ। ऐसा है, रमजान के महीने में यहाँ पर शालिनी अली और उनके परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर एक बेहतरीन कार्यक्रम किया, रोजा इफ्तारी। दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा खूबसूरत और अजीम देश है जिस जैसा कोई देश नहीं है। दुनिया के सब मजहब और उनके फिरके अगर किसी मुल्क में मिलते हैं तो वो हिंदुस्तान है, और इसलिए हिंदुस्तान सब मजहबों के और इज्जत करने वाली सरजमी थी, है और सदा रहेगी। इसलिए
इन दिनों में एक और रामदान के कार्यक्रम और रोजा इफ्तारी के चल रहे हैं और एक तरफ होली मिलन भी चल रहे हैं, इसलिए आज मैं रामदान और होली मिलन की ढेर शुभकामनाओं के साथ, कल ईद भी आएगी और नवरात्रे भी आएंगे, उनकी भी ढेर ढेर शुभकामनाएं करता हूं। मुल्क मजहबी कट्टरता से और दंगों से मुक्त हो, भाईचारे से युक्त हो, मुल्क आपस में तकसीम ना हो बल्कि मुल्क के सब लोग मिलजुल कर रहें, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती सारी दुनिया की खूबसूरती है। इसलिए जहां सब धर्मों की इज्जत हो और सब धर्मों को स्वीकार किया जाता हो, सब धर्म के लोग मिलजुल कर इज्जत से रहना चाहते हों, तालीम तरक्की के साथ बढ़ना चाहते हों, अमन शांति और भाईचारा चाहते हों, इसलिए मैंने आज की रोजा इफ्तारी में इसके लिए सबको मुबारक देते हुए ये कहा, आओ हम अहद करें, संकल्प करें कि दंगा मुक्त, नफरत मुक्त, हिंसा मुक्त मुल्क बनाएंगे और भाईचारा भाईचारा, मोहब्बत मोहब्बत वाला मुल्क बनाएंगे। इसी के साथ साथ रसूल ने जो फरमाया है, गाय इसका गोश्त बीमारियां हैं और इसका दूध और घी शिफा और इलाज है, और दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान में कोई भी इबादत गाह ऐसी नहीं है, चाहे मस्जिद के रूप में हो, चाहे दरगाह के रूप में हो या किसी रूप में, जहां गाय कटती हो, गोश्त बेचा खरीदा और खाया जाता हो। इसलिए हिंदुस्तान को लिंचिंग मुक्त करना है तो गाय की लिंचिंग और आदमी की लिंचिंग से मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे, और गाय जो इस तरह का प्राणी है उसकी इज्जत करेंगे और लिंचिंग मुक्त हिंदुस्तान बने। इसी की मुबारक के साथ ये कहते हुए मैंने कहा, आओ अहद करें सब धर्मों का सम्मान और सब जातियों का सम्मान और सबके फिरकों का सम्मान करते हुए अपने हिंदुस्तान को खूबसूरत मुल्क बनाएं, ताकि दुनिया को भी खूबसूरत और रोशनी हिंदुस्तान से मिले। इसी शब्दों के साथ मैंने कहा कि नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। तो हमारी पहचान जात से नहीं है, मजहब से नहीं है, भाषा से और दल से नहीं है, अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान से थी, है और सदा रहेगी। इसलिए फर्स्ट वी आर हिंदुस्तानी, देन आफ्टर हम कुछ भी जाति मजहब के हो सकते हैं। यह इनकलाब आए इसके लिए सबको मैंने ढेर मुबारक की, और इस मुबारक में ये कहा कि सब खुशी हों, प्रसन्न हों, सब सेहतमंद रहें, मिलजुल कर रहें, इसके मालिक से दुआ करता हूँ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी एप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बन रही है MNS न्यूज टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।